नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। 7 सालों में पीएम मोदी का यह 27वां वाराणसी दौरा होगा। इस दौरान वह काशी के लोगों को 14,075 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में करीब 5 से 6 घंटे बिताएंगे। वह इस दौरान वह सिगरा इलाके में जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 11:05 पर आईआईटी बीएचयू के एडीवी ग्राउंड में होंगे। इसके बाद 12:20 पर वह एडीवी ग्राउंड से बीएचयू एमसीएच विंग के लिए रवाना होंगे। साथ ही 12:30 पीएम मोदी एमसीएच विंग क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि 1:35 पर पीएम मोदी बीएचयू एमसीएच विंग से बीएचयू हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। 1:45 पर वह बीएचयू हेलीपैड से संस्कृत विश्वविद्यालय हेलीपैड के लिए उड़ान करेंगे और उसके बाद 1:55 पर पीएम मोदी संस्कृत विश्वविद्यालय हेलीपैड पर उतरेंगे और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए भी रवाना होंगे। वहीं आपको बता दें कि 2 बजे करीब वह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मार्तंड जुड़ चुके हैं। तो मार्तंड, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी देखिए, लगभग 8 महीने बाद जो है कोरोना का जो वेव आया उसके बाद जो है करीब 8 महीने बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस दौरान जो है प्रधानमंत्री करीब 1582 करोड़ रुपए के अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, वो उद्घाटन करेंगे। उसमें सबसे खास जो है वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जो भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल है। और इसकी नींव तब पड़ी थी जब सिंजो आबे अपने बनारस दौरे पे आए थे, जापानी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2015 में कहा था कि हम क्योटो बनाएंगे बनारस को। तो उसी के तहत जो है इस कायाकल्प इसका रखा गया और उसके बाद जो है आज रुद्राक्ष सेंटर कन्वेंशन सेंटर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। कई खासियतें हैं, पूरी दुनिया की नजर है। खासतौर से बात करें तो जितनी उत्सुकता भारत में लोगों को इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर है उतनी उत्सुकता जापान में भी है। इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जापानी प्रधानमंत्री भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे इस उद्घाटन समारोह में। साथ ही साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी राजदूत के साथ इस दौरान मौजूद रहेगा। जो जापानी राजदूत है उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत जापान की दोस्ती जो है और वैश्विक स्थिति में देखें तो जापान एक अच्छा सहयोगी नजर आ रहा है भारत को। तो इस तरह ये जो पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का इसी तरीके से रखा गया। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे बीएचयू में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे जहाँ पे पूरे कोविड प्रोटोकॉल को का पालन करते हुए जनसभा की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो पहले ही जायजा ले चुके हैं, वो बनारस पहुंच के जायजा ले चुके हैं। उसके बाद कल हमने देखा कि डीजीपी और जो मुख्य सचिव हैं वो लगातार बैठकें करते रहे, सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम किस तरीके से सुचारू रूप से चले इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। बात फिर से करते हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की, तो ये बहुत ही अत्याधुनिक उससे लैस सुविधाओं से लैस है। इसमें 1200 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो कुर्सियां हैं, जो इसमें कुर्सियां लगी हैं जो कन्वेंशन सेंटर में जिसमें लोग बैठेंगे, वो उन कुर्सियों को वियतनाम से मंगाया गया है। साथ ही साथ 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष जो है सेंटर में लगाए हैं, कन्वेंशन सेंटर के बाहरी दीवारों पर लगाए हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। जी मार्तंड, जिस तरह से 27वां वाराणसी दौरा है आज पीएम मोदी का, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, सांसद भी हैं, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो प्रधानमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी जो सुरक्षा है एनएसजी की सुरक्षा उनको मिली होती है, सीजी उनके साथ होती है, और साथ ही साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस और प्रदेश की जितनी भी इंटेलिजेंस इकाइयां हैं वो सारी इस समय लगी हुई है बनारस में। आईपीएस अधिकारी जो है जोन के साथ साथ बाहरी जोनों के जो अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया। साथ ही साथ कई जो मुख्यालय के अधिकारी हैं, हमने पहले बताया कि मुख्य सचिव पहुंच चुके हैं, पहले ही डीजीपी पहुंच चुके हैं, और तो इन सब लोगों ने पूरा जाके वहां पे खाका तैयार किया, किस सुरक्षा व्यवस्था रहेगा और किन जिन रास्तों पे जाएंगे या जिन जगहों पे जाएंगे वहां पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कोई भी अव्यवस्था न उत्पन्न होने पाए। एक मुख्य बात ये भी है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा चूंकि अपने संसदीय क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश
भारत का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। और अगर हमने बात करें विधानसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इसको हम लगातार देखते आ रहे हैं कि एक तरफ आज प्रधानमंत्री यूपी में पूर्वांचल साइड में रहेंगे, बनारस में रहेंगे, तो वही असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम में रहेंगे, तो पूरी तरह से राजनीतिक स्टेज भी तैयार है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री वहां आके किस तरीके से संबोधन देते हैं और क्या कुछ कोई चुनावी एजेंडा तय करते हैं क्या, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि माना ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री क्योंकि चुनाव के पहले आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र, यहाँ से सांसद भी हैं उत्तर प्रदेश से, बनारस से, तो कहीं ना कहीं वो एक चुनावी एजेंडा भी सेट कर सकते हैं। जी मार्तन, जिस तरह से बताया कि विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में नजदीक ही आ रहे हैं, और ऐसे में पीएम मोदी का वाराणसी दौरा किस तरह से जोड़कर देख रहे हैं इसको? जी देखिए, ये प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार के सामने चुनौती ये है कि उसको चुनाव में जाना है और अपने जो भी विकास कार्य किए गए हैं या जो भी सुविधाएं कोरोना काल में जो मैनेजमेंट था उसको लेकर जो है जनता के सामने जाना है, अपना पक्ष रखना है। कई बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश का कोविड मैनेजमेंट है उसकी तारीफ कर चुके हैं, खुले मन से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर चुके हैं। तो इस और जाहिर सी बात है कि एक महत्वपूर्ण चीज जो आज होनी है, सबकी नजर उसी पे है कि प्रधानमंत्री संबोधन में क्या कहते हैं और किस तरीके से अपने भाषणों से, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा माना जाता है कि वो अपना चुनावी एजेंडा, अपनी पार्टी का चुनावी एजेंडा या इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी जो वो चुनावी एजेंडा सेट करते हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहीं ना कहीं इस पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है और वो कौन सा चुनावी एजेंडा जिसको प्रधानमंत्री आज सेट करते हैं, और यहाँ से एक धारा चल निकलेगी चुनाव के लिए और आगे आने वाले समय में उसी को लेके जो है सारी पॉलिटिकल पार्टियां जद्दोजहद करती नजर आएंगी। बहुत बहुत मार्तन शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। 7 सालों में पीएम मोदी का यह 27वां वाराणसी दौरा होगा और इस दौरान वह काशी के लोगों को 1475 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका इमेज जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।